वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काले चने की रेसिपी। इसको काले छोले भी बोल सकते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी होते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सिंपल रेसिपी कि आप इसको घर पे कितना इजी तरीके से और कितना टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस करिए और फिर उसके बाद एक घंटी बनी हुई नजर आएगी, बेल आइकन आएगा, आप उससे प्रेस करिए। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक प्लीज जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काले चने बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी चने लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे हम। ये 1.5 कटोरी छोले हैं, चने काले चने 1.5 कटोरी हैं और इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और नमक स्वाद के हिसाब से, आप कम या ज्यादा कर लीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। कुकर को बंद कर देंगे, कुकर को बंद कर दिया ये हमने। अब इसको मैं 6 विसल आने दूंगी फुल फ्लेम पे, 6 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। आगे की रेसिपी के लिए मैंने ये लहसुन ले लिया है, गार्लिक, 4 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं। इनको सबको घिस लेंगे अच्छे से, आप चाहें तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं। इसमें 6 विसल आ गई हैं कुकर में। अब इसका गैस मैं स्लो कर दूंगी। अब इसको 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकेगा ये। कुकर में 5 मिनट और पका लिए हैं काले चने। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आगे की रेसिपी के लिए लहसुन किस लिया है, प्याज किस लिया है और टमाटर किस लिया है। अब कढ़ाई में हम तेल को गर्म करेंगे। तेल चढ़ाएंगे पहले कढ़ाई में। ये कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। 3 चम्मच तेल लिया है, बड़ा चम्मच तेल लिया है मैंने ये। इसमें जीरा डालेंगे हम 1/2 चम्मच, और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा डाल दिया इसमें। ये जीरे का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने घिस के रखा हुआ है। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको भूनते रहेंगे। इसमें लाल मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं कम ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसमें साथ ही हम गरम मसाला भी डाल देंगे। अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका तेल, ये मसाला हमारी साइड्स ना छोड़ दे या फिर तेल अलग दिखाई देना शुरू ना हो जाए। बस 2 मिनट और ये पकने वाला है अच्छे से। देखिए ये प्याज भुन गया है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर जो हमने घिस के रखे हुए हैं, तो मिक्स करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने देख के डालना है क्योंकि पहले चने में भी डाल चुके हैं हम उबालते हुए। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने भूनना है जब तक कि ये साइड्स ना छोड़ दे, मसाला अच्छे से भूनना जाए। जो मसाला भूनने का स्टेप है वो हर सब्जी में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इसी से आपकी सब्जी में टेस्ट आता है। इंग्रेडिएंट्स तो सबके सेम होते हैं, बस बनाने के तरीके से ही आपकी सब्जी टेस्टी बनती है या करी। सिर्फ तेल अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा भून गया है। देखिए इसका गैस भी निकल चुका है कुकर का। ये मैंने अपने आप इसको रिलीज होने दिया है, इसके प्रेशर को खुद नहीं निकालना है इसका प्रेशर कुकर का। हमारे काले चने हैं वो इस मसाले में हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला लेंगे। अभी गैस का फ्लेम फुल रखना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। इसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे हम। ये छोले बन गए हैं, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे बनेंगे काले चने। देखिए ये मेरे काले चने बनके तैयार हैं, तो आप भी इसे ट्राई करिए और मेरे साथ अपने कमेंट शेयर करिए आपकी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।